जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बना है और वहाँ का भी उद्घाटन हुआ है कि हाल ही में कि यहाँ पर रांची में एक भव्य मंदिर तैयार हो गया है, उसके विषय में क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है, पर हम वहाँ वाला नहीं देखे हैं। वहाँ वाला नहीं देखे? नहीं गए, पर यहीं पर दर्शन हो गया। ये तो इसलिए बनाया गया कि लोग भीड़ जुटे और जो राम मंदिर नहीं पहुँचने सका वो यहाँ देख लिया करे। अयोध्या का जो मतलब उसका थीम में बनाया गया बहुत ही लाजवाब है। भैया हम ये कहेंगे जिस तरीके से करोड़ों की लागत से ये जो है मंदिर तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं कल जो है इसका समापन हो जाएगा, तो क्या मंदिर टूट जाएगा? नहीं, समापन तो नहीं होना चाहिए। इतना महंगा थीम पे बना रहेगा मंदिर? हाँ, इसी थीम पे बना रहेगा मंदिर। कितनी लागत से बना होगा? लगभग मेरे को अंदाज है 98 लाख। कल तो दशहरा हो जाएगा, तो क्या ये मंदिर ऐसे ही रहेगा या टूट जाएगा? ये करोड़ों रुपए नुकसान हो जाएंगे? वो तो नुकसान होना ही होना है सर, ये तो टेम्पररी है, ये तो परमानेंट है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज, मैं आपके साथ अवनीश कुमार इस वक्त मौजूद हूँ रांची में। और आपको बता दें यहाँ राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से अभी अयोध्या का उद्घाटन ही हुआ है, उसके बाद उसी के थीम पर यहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक हनुमान जी की कहीं ना कहीं 28 फीट की मूर्ति भी बनाई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आज नवमी का अवसर है, ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देख सकते हैं कि हमारे सामने लाखों की तादाद में यहाँ पे लाइनें जो है कहीं ना कहीं लगी हुई, हजारों की तादाद में यहाँ पे लाइनें लगी हुई है। यहाँ पे भक्त जो है कहीं ना कहीं लाइनों में लग के और श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हमसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? रोशन कुमार। कहाँ से है? दला दिल्ली। क्या कहेंगे इस तरीके से ठाकुरगांव? जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना है उसी के थीम पर यहाँ भी बनाया गया है। पहली बार आए हैं? पहली बार, बहुत दिन बाद, 3 महीने बाद। अयोध्या मंदिर का दर्शन किया आपने? यही पहली बार हो रहा है, अभी देखने जा रहा है। अभी अयोध्या में जिस तरीके से मंदिर बना है वहाँ पे आपने दर्शन किया? किया, किए करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी उसी थीम पे बनाया गया है। यहाँ पे एक नंबर था, कैसा लगा? हाँ, अच्छा था। क्या नाम? सोनालिका कुमारी। जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बना है और वहाँ का भी उद्घाटन ही हुआ है कि हाल ही में कि यहाँ पर रांची में एक भव्य मंदिर तैयार हो गया है, उसके विषय में क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है, पर हम वहाँ वाला नहीं देखे हैं। वहाँ वाला नहीं देखे? नहीं गए, पर यहीं पर दर्शन हो गया था। आज नवमी का दिन है, क्या कहेंगे? बहुत भीड़ है, बहुत दिक्कत है जाने में। अष्टमी पे भी ऐसी भीड़ है? नहीं, हम सप्तमी के दिन आए थे तो इतना नहीं था। सप्तमी पे ऐसा नहीं था? नहीं, आज लास्ट है। हाँ, और कल भी रहेगा, इसीलिए भीड़ है। हाँ, ठीक है। तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पे भैया भी है हमारे साथ। क्या नाम भैया आपका? राकेश कुमार। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से ये अद्भुत मंदिर बनाया गया, इसके विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, क्या लागत है होगी इसकी मंदिर की, और कहते हैं कि करोड़ों में लागत से ये बनाया गया है। करोड़ों लागत से बना हुआ है। जी जी जी। तो आपने अयोध्या में दर्शन किया? जो नहीं किए हैं, नहीं किए, तो उसी के थीम पे ये बनाया गया है। हम सबसे पहले आपको मूर्ति दिखाएंगे, उस मूर्ति को जूम करके कैमरा पर्सन कहें दिखाइए। देख सकते हैं कि वो राम के जैसे ही बिल्कुल प्रतिमा जो है ये बनाई गई है। देख सकते हैं विशाल मंदिर है ये, काफी अद्भुत है देखने के लिए। कहते हैं कि अयोध्या धाम जो है एक पवित्र धाम है, राम मंदिर है, तो वहाँ के थीम को लेकर जो है डिट्टू यहाँ पे तैयार किया गया है। हमारे साथ और भैया लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या है यहाँ पे, क्या लोग देखने आ रहे हैं? क्या नाम भैया? मनेश्वर बेतिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये राम मंदिर बना हुआ है, काफी लागत से बना हुआ है, क्या कहेंगे इसके विषय में? बहुत अच्छा, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। आज बहुत नवमी का दिन है, बहुत भीड़ है, और मतलब अयोध्या का जो मतलब उसका थीम में बनाया गया बहुत ही लाजवाब है, और इससे अच्छा मतलब और कहीं पे मतलब देखने को हमको नहीं मिला है अभी तक। रांची से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर जगह से भी लोग आ रहे हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से भी, झारखंड से, बाहर से, पटना, बिहार से भी आ रहे हैं लोग। हाँ, बिहार से भी आ रहे हैं, पटना। तो देख सकते हैं कि पटना, बिहार से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तमाम और लोग हैं, देख सकते हैं बच्चियाँ यहाँ पे जो लाइनों में लग के फिलहाल भी पूजा की है कि नहीं की है लेकिन पता नहीं है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो पूजा के लिए ही लाइन में लगे हुए हैं। आपको एक प्रतिमा दिखाएंगे हनुमान जी की, जो कि 28 फीट की है। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पे 28 फीट का जो है कहीं ना कहीं हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा बनाई गई है, और ये भव्यता जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है अयोध्या के थीम पर जो कि बनाया गया है इसको। तमाम लोग हैं जो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे भैया लोग मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा अंकित कुमार नाम हुआ। कहाँ से हैं भैया? हम रांची से आए हैं। रांची से आए? अच्छा, ये बताइए, आज नवमी का दिन है, आज नवमी है, कल दशहरा हो जाएगा, तो आज नवमी को लेकर ये भीड़ है?
हाँ, आज नवमी को लेकर के भीड़ है, कल भी भीड़ रहेगी, कल भी भीड़ रहेगी, कल दशमी होगा, कल दशमी होगा, लेकिन भी प्राय रांची के लोग, भैया हम ये कहेंगे जिस तरीके से करोड़ों की लागत से ये जो है मंदिर तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं कल जो है इसका समापन हो जाएगा, तो क्या मंदिर टूट जाएगा? नहीं, समापन तो नहीं होना चाहिए, इतना महंगा थीम पे बना रहेगा मंदिर। हाँ, इसी थीम पे बना रहेगा मंदिर। जो अयोध्या मंदिर बना हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे और इस मंदिर के विषय में क्या कहेंगे? अयोध्या तो अयोध्या है, बट ये भी अभी दशहरा के लिए अयोध्या नगरी ही बन चुका है ध्रुवा। हमें तो ऐसा लगता है अयोध्या धाम यही है। हाँ, अभी तो फिलहाल जब तक माता है यहाँ पे तब तक अयोध्या धाम यही है। अच्छा, माता भी है यहाँ पे? हाँ, माता है ना, दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ का पंडाल, दुर्गा माँ का पंडाल, दुर्गा माँ से रिलेटेड ही बना है, माँ से रिलेटेड बना हुआ है, मूर्ति भी बहुत भव्य है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ भैया थे, क्या नाम है भैया आपका? मेरा अंकित कुमार नाम हुआ। ये थे हमारे साथ अंकित जी, जो कि रांची से ही है और यहाँ मंदिर के, भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ और भी लोग हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? शिव नाम है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बना है, अभी उद्घाटन ही हुआ है मंदिर का, कि दूसरा अयोध्या में यहाँ पे थीम पे उसके बनाया गया है? मैं तो चाहता हूँ ये परमानेंट रह जाए। तो क्या परमानेंट रहेगा, कल दशहरा का अवसर है? बिल्कुल, ऐसा उम्मीद है कि ऐसा फिर एक स्थापना हो। हाँ, हाँ। राम मंदिर का, रांची का आकर्षण का केंद्र बना रहे। ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत भव्य हुआ। कितनी लागत से बना होगा? लगभग मेरे को अंदाज है 98 लाख। 98 लाख? हाँ, 98 लाख। अगर कहीं ना कहीं दशहरा बीतता है उसके बाद 98 लाख कहीं फूट तो नहीं जाएंगे? ये तो औपचारिकता है, तो निकालना ही होगा। लेकिन इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक लोगों का उत्साह है कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। कहाँ से है भैया? मैं बोकारो से आया। बोकारो। कल दशहरा होगा तो ऐसे ही भीड़ रहेगी? उम्मीद तो है, भीड़ और बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। आज भीड़ कम, कितनी संख्या होगी अप्रोक्स? यहाँ पे लगभग 3-4 लाख रुपए हैं। 4 लाख भैया का कहना है, 3-4 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राम के दर्शन के लिए। भव्यता इतनी खूबसूरत है कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं, ये एक झूला भी लगाया गया यहाँ पे दुर्गा पूजा की समिति की जो तरफ से जो है यहाँ पे एक वो भी लगाया गया है, और भक्तों की भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों की भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, और राम भगवान जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहर ही दे दिए गए हैं। अयोध्या में तो अंदर है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे बाहर ही दे दिए गए। थीम बिल्कुल वही है, थीम की बात करें तो थीम अयोध्या के जैसे ही है। यहाँ भी आप दर्शन करेंगे लाइनों में लग के, वहाँ भी आप दर्शन करेंगे लाइनों में लग के। अच्छा, जिस तरीके से राम मूर्ति बनी है, इसमें कितनी की लागत होगी? सुनने में तो आ रहा था 1 करोड़ लगा है। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए लगा? हाँ, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए में इतना भव्य मंदिर बन गया? हाँ, वही तो सुने हैं। क्या नाम बताया आपने? अभय महतो। अभय महतो जी थे हमारे साथ, और अभय महतो जी ने बता रहे हैं कि यह 1 करोड़ की लागत से जो है मंदिर तैयार हुआ है, और विशाल मंदिर, भगवान राम की जो है कहीं ना कहीं प्रतिमा एकदम उसी के थीम पे बिल्कुल बताया, तो अयोध्या के थीम पर ही ये पूरी जो है मंदिर तैयार की गई है। हम भी देख के बहुत चक्कर रह गए कि आखिर ये मंदिर कैसे आखिर हो सकता है कि अयोध्या के थीम पे। कहते हैं कि कहाँ से आए होंगे ये लोग जो है इसके तैयार किए? क्या नाम भैया? अमोल सिंह। क्या कहेंगी जिस तरीके से ये मंदिर बना है उसके विषय में क्या कहेंगी कि अयोध्या में भी इसी के थीम पे, अयोध्या में पहला मंदिर है उसी के थीम पे ये बनाया गया है? उसी के थीम पे बनाया गया सर। हाँ, उसी के थीम पे बनाया जी जी जी। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है उसका, दूसरा मंदिर तैयार हो गया। हाँ, हाँ। तैयार हो गया, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं। हाँ, हाँ। आपका और माझी तरफ से? माझी की तरफ से। कितना दूर हो गया? यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं जी जी जी। अच्छा, कल भी ऐसी भीड़ होगी? हाँ, ये आपको चौथे दिन से भीड़ चल रहा है सुनने में। ये पूछना चाहेंगे कि ये मंदिर जो है, कल तो दशहरा हो जाएगा, तो क्या ये मंदिर ऐसे ही रहेगा या टूट जाएगा? 1 करोड़ रुपए नुकसान हो जाएंगे? वो तो नुकसान होना ही होना है सर, ये तो टेम्प्रोरी है, ये तो परमानेंट है नहीं। ये तो इसलिए बनाया गया कि लोग भीड़ जुटे, और जो राम मंदिर नहीं पहुंचने सका वो यहाँ देख लिया करे, इसी के वजह से भीड़ हो रहा है मेरे हिसाब से। तो देख सकते हैं कि भैया का कहना है कि राम मंदिर जो है कहीं ना कहीं टूट जाएगा, जो 1 करोड़ रुपए की लागत से जो ये मंदिर तैयार हुआ है, ये मंदिर टूट जाएगा दशहरे के बाद। हम आज नहीं कह रहे हैं, ये दशहरे के बाद टूटेगा मंदिर। क्यों टूटेगा? क्योंकि ये एक लोगों को दर्शाने, लोगों को दिखाने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये बनाया गया है, कुछ समय के लिए बनाया गया है। बाकी ऐसे खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़।